गूगल का होम पेज तो आपको जरूर याद होगा, पर गूगल के बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉपीज भी हैं जो इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। मैं हूँ फैक्टेक और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कुछ गूगल के होम पेज की वर्जन्स जो बहुत इंटरेस्टिंग हैं। नंबर वन, गूगल पॉन्ड। ये है गूगल पॉन्ड। क्या कुछ अलग दिख रहा है आपको? जैसे जैसे मैं ये माउस इधर उधर ले जाता हूँ, वैसे वैसे एक वेब बनती जाती है, जिस तरह तालाबों में वेब बनती है। पेज की किसी भी जगह पर आप माउस के कर्सर को ले जाओ, वो वहाँ एक वेब क्रिएट कर देगी। वाकई बहुत मज़ेदार है ये। नंबर टू, गूगल स्फीयर। ये है गूगल स्फीयर। जब आप इसको खोलोगे तो आपका पेज एक स्फीयर में बदल जाएगा और सारी लिंक्स गूगल के चारों तरफ घूमने लगेगी। आप इसको अपने माउस से भी कंट्रोल कर सकते हो। अमेजिंग बात तो यह है कि ये लिंक्स घूमते हुए भी क्लिकेबल है और आप इन लिंक्स पर क्लिक कर सकते हो। नंबर थ्री, गूगल स्पेस एंड गूगल ग्रेविटी। गूगल स्पेस, जब आप इस पेज को खोलोगे तो इस पेज के सारे एलिमेंट्स आपस में डिटैच हो जाएंगे। और मज़ेदार चीज़ देखोगे आप एक एक एलिमेंट्स को उठा कर फेंक भी सकते हो रैंडमली, और आपस में इन एलिमेंट्स को टकरा सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। गूगल स्पेस का एक भाई भी है गूगल ग्रेविटी। गूगल स्पेस में तो सारे एलिमेंट्स वैसे बिहेव कर रहे थे जैसे स्पेस में करती है, लेकिन गूगल ग्रेविटी में सारे एलिमेंट्स ऐसे बिहेव करती है जिस तरह वो अर्थ पे है। एकदम ग्राउंड लेवल की रियल फिजिक्स और ग्रेविटी की लॉज को फॉलो करती हुई। गूगल स्पेस जैसा आप भी यहाँ एलिमेंट्स को उठा कर फेंक सकते हो, लेकिन ग्रेविटी के चलते वो एलिमेंट्स नीचे आ जाएंगे। नंबर फोर, इन्फ्लेटिंग एंड श्रिंकिंग गूगल। वो ये क्या हो रहा है? अरे 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 गाइस, ये पेज में गूगल का साइज बड़ा होता रहेगा और जब तक ये पेज को आप क्लोज नहीं करोगे तब तक ये एक्सपैंड होते रहेगा। क्वाइट इंटरेस्टिंग। और इसका ऑपोजिट है श्रिंकिंग गूगल। इस पेज में आपको गूगल श्रिंक होते हुए दिखेगा। ये श्रिंकेज तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये पूरा छोटा नहीं हो जाए। नंबर फाइव, पेंटिंग गूगल। यहाँ पे आप पेंट कर सकते हो और गूगल के लोगो और बाकी सारे एलिमेंट्स को डिस्टॉर्ट कर सकते हो, जस्ट लाइक पेंटिंग। सर्च बॉक्स और सारे लिंक्स को भी आप डिस्टॉर्ट कर सकते हो। मैं जानता हूँ कि ये सब देख के आपको भी गूगल के साथ खेलने का मन कर रहा होगा, और इसलिए मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जहाँ पे आप जाकर गूगल के डिफरेंट वर्जन्स को एंजॉय कर सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, कमेंट भी कर देना, और प्लीज़ यार सब्सक्राइब तो जरूर कर दो इस बटन पर क्लिक करके, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट्स लाता रहूँगा। गूगल के ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स हैं जिसको आपको जानना चाहिए। मैं हूँ फैक्टेक और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऑसम गूगल सर्च दैट यू नीड टू नो। नंबर वन, एस्क्यू। जब आप ये खोलोगे तब गूगल का पेज राइट की तरफ टिल्ट हो जाएगा और वही होगा जो इसका मीनिंग है, मतलब नॉट इन ए स्ट्रेट पोजिशन। इसके साथ साथ सारे रिजल्ट थोड़े ब्लर भी हो जाएंगे। नंबर टू, अतारी ब्रेकआउट। अब आप सीधा गूगल पे जाना, लिखना अटारी ब्रेकआउट और इमेजेस टैब पर क्लिक करना और देखना जादू। इमेजेस एक गेम में बदल जाएगी और आप इस गेम को खेल के स्कोर भी बना सकते हो। मुझे तो बहुत मज़ा आया था जब मुझे ये पता चला था कि गूगल में एक गेम भी है। नंबर थ्री, डू अ बैरल रोल। ये एक बहुत ही फेमस ट्रिक है। ये टाइप करो गूगल में और गूगल की पेज घूमने लगेगी। एक बार होगा ये बैरल रोल। ये भी एक मज़ेदार ट्रिक है। नंबर फोर, गूगल इन 1998। गूगल जब नई नई लॉन्च हुई थी उस टाइम गूगल की इंटरफेस बिल्कुल सिंपल थी। ये सर्च टर्म आपको उसी टाइम की एक झलक दिखलाती है और इसे सर्च करने के बाद आप गूगल की 1998 के वर्जन को देख सकते हो। नंबर फाइव, जर्ग रश। ये सर्च करने के बाद उस पेज के ऊपर बहुत सारे ओ आएंगे जो कि विलन्स हैं और वो सारे सर्च रिजल्ट्स को धीरे धीरे खाते जाएंगे। इस ओ पर क्लिक करोगे आप तो ये ओ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आप अपने रिजल्ट्स को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए ओ को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, और जितनी ओ डिस्ट्रॉय करोगे उतनी स्कोर बढ़ती रहेगी। इसके पहले मैंने यूट्यूब ट्रिक्स के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, उसे चेकआउट करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आई तो कॉमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब बाई क्लिकिंग दिस बटन हेयर, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट्स लाता रहूंगा आपके लिए। बाय बाय। मैं हूँ फैक्टेक और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा YouTube के ट्रिक्स दैट यू मस्ट नो।
नंबर वन टॉजी मेमे। जब आप ये YouTube के सर्च बॉक्स में लिखोगे तब YouTube एक फ्री हैंड हैंडराइटिंग मोड में बदल जाएगी और हर टेक्स्ट आपको रैंडमली कलर्ड एंड हैंड रिटन टाइप लगेगी। इस स्टाइल में YouTube को चलाना बहुत मज़ेदार होता है। नंबर टू यूज द फोर्स लूप। जब आप ये सर्च टर्म लिखोगे तब YouTube कुछ ऐसा होगा। YouTube एक ड्रंकन यानी पेक्कड़ की तरह एक्ट करने लगेगा। आप इस मूवमेंट को अपने माउस से भी कंट्रोल कर सकते हो। क्वाइट इंटरेस्टिंग इजंट इट। नंबर थ्री एंड पो इक्वल टू वन एंड नो एचटीएमएल 5 इक्वल टू वन। याद है आपको YouTube की कुछ साल पहले की प्लेयर? अभी के जो करंट प्लेयर है उससे अच्छा मुझे पहले का प्लेयर लगता था। इस ट्रिक से वही पॉसिबल है। कोई भी वीडियो के आगे अगर आप ये कोड लगा दोगे तो वो वीडियो पहले वाले प्लेयर में प्ले होगी। मुझे ये प्लेयर बहुत पसंद है इसलिए मैं इसी में सारे वीडियोस को देखता हूँ। नंबर फोर डू द हार्लेम शेक। इसके बारे में मुझे आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं, आप खुद ही देख लो कि ये जब आप ये सर्च करोगे तो क्या होगा। है ना इंटरेस्टिंग। नंबर फाइव youtube.com/tv। यूट्यूब की बहुत ही मस्त डिजाइन वर्जन है ये। आप यूट्यूब पे जाने के बदले youtube.com/tv पर जाओ डेस्कटॉप से और आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस इंटरफेस को आप कीबोर्ड से भी कंट्रोल कर सकते हो। एक्चुअली ये इंटरफेस बहुत इजी है यूज़ करने में और आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको पसंद आया, शेयर कमेंट और ये सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट्स लाता रहूँगा आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मैं हूँ फैक्ट टेक और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 कंप्यूटर ट्रिक्स दैट यू मस्ट नो। फोल्डर दैट कांट बी क्रिएटेड। क्या आपको लगता है कि कंप्यूटर में हम किसी भी फोल्डर का कुछ भी नाम देके बना सकते हैं? आप इस मामले में सही है, बट देर आर 4 एक्सेप्शंस। आप किसी भी फोल्डर को कुछ भी नाम से सेव कर दो, लेकिन आप किसी भी कंप्यूटर में ये सब नाम की फोल्डर नहीं बना सकते। CONNULPRNAUX। किसी को भी चैलेंज करो, आप बोलो कि इस नाम की फोल्डर बना के दिखाए, वो नहीं कर पाएगा। नंबर टू मेक योर कंप्यूटर स्पीक एंड फाइंड योर कंप्यूटर्स जेंडर। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर या लैपटॉप एक मेल है या फीमेल? आप एक काम करो, ये सॉफ्टवेयर बना लो और इसमें कुछ टाइप करो। इस सॉफ्टवेयर में आप जो भी टाइप करोगे कंप्यूटर उससे नैरेट करेगा और उस वॉइस से आप पता लगा सकते हो कि कंप्यूटर एक मेल है या फीमेल। This is a really good product. अगर आपको ये सॉफ्टवेयर बनाना है तो मैंने कोड दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे जस्ट कॉपी कर लो और नोटपैड में पेस्ट कर लो और फाइनली सेव कर लो स्पीकिंग सॉफ्टवेयर .vvs नाम से और बस बन गया ये नैरेटिंग सॉफ्टवेयर। This is good. नंबर थ्री टर्न योर स्क्रीन अपसाइड डाउन। आप इस ट्रिक से अपने स्क्रीन को अपसाइड डाउन कर सकते हो। आप अपने कीबोर्ड के कंट्रोल प्लस ऑल्ट की को होल्ड करके डाउन एरो की दबा दो और आपका स्क्रीन पलट जाएगा। आप इसे जस्ट अपसाइड डाउन ही नहीं, किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हो। अगर आप कंट्रोल और ऑल्ट को होल्ड करके राइट एरो की प्रेस करो तो स्क्रीन लेफ्ट की तरफ घूम जाएगी, अगर लेफ्ट दबाओ तो राइट की तरफ घूम जाएगी। नंबर फोर टैब रीओपन। बहुत बार ऐसा होता है कि हम गूगल क्रोम की मल्टीपल टैब को ओपन करके रखते हैं और गलती से एक टैब क्लोज हो जाती है और 5-6 टैब में से एक क्लोज हो जाने के चलते हम हिस्ट्री में जाके इसे सर्च करते हैं, जो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होती है। इस ट्रिक से आप डायरेक्टली इस क्लोज टैब को ओपन कर सकते हो। अगर गलती से कोई भी टैब क्लोज हो जाए तो आप कीबोर्ड के कंट्रोल और शिफ्ट की को होल्ड करके T बटन प्रेस करो और मैजिकली वो टैब फिर से ओपन हो जाएगी।
नंबर 5 यूट्यूब पॉज प्ले एंड फॉरवर्ड विथ JKL। जनरली आप यूट्यूब को पॉज प्ले बैकवर्ड और फॉरवर्ड करने के लिए अपने माउस का यूज करते हो। कोई भी यूट्यूब वीडियो प्ले करते समय आप वीडियो को पॉज करने के लिए या फिर आगे पीछे बढ़ाने के लिए JKL बटन्स का भी यूज कर सकते हो। अगर आप K प्रेस करोगे तो वीडियो पॉज हो जाएगी और फिर से K प्रेस कर दोगे तो वीडियो वापस प्ले होने लगेगी, और अगर J प्रेस करोगे तो 10 सेकंड बैकवर्ड चल जाएगी, और अगर K प्रेस करोगे तो 10 सेकंड फॉरवर्ड चल जाएगी। इस तरह आप वीडियो को आराम से कंट्रोल कर सकते हो बिना किसी माउस के यूज किए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कॉमेंट शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब तो जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट्स लाता रहूँगा आपके लिए। Thanks for watching. See you in the next video. Bye bye.